Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. ਜੱਜ ਕੋ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਲਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਲਸ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਸ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰ ਜ਼ੈਨ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਜ਼ੈਨ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਦ ਹੈਂ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋਂ ਕੋ ਜੇ ਜੋ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਤਾਓ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸਕਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਆ ਹੈ सर ये कम्युनिटी है अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी हाँ जी इसके जो फाउंडर थे वो थे हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी हाँ जी उन्होंने इस कम्युनिटी की शुरुआत की थी हाँ जी और ये एक मुस्लिम कम्युनिटी है और हम जो है यहाँ पे ये बुक स्टॉल पूरी इंडिया में लगाते हैं हाँ जी और पूरी दुनिया में लगाते हैं हमारी जो अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी है वो 214 मुल्कों से ज़्यादा मुल्कों में इस टाइम है मौजूद है और हमारा मकसद है शांति का संदेश देना हाँ जी हाँ मैसेज ऑफ पीस तो हम इसी के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और हमारी जो है जो हमारे जो इस टाइम मौजूदा खलीफा हैं हाँ जो हमारे हजरत मिर्ज़ा मसरूर अहमद मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब वो जो हैं इस टाइम हमारे सुप्रीम हेड हैं और वो लंदन में होते हैं और हम जो है हमारा ये बुक स्टॉल लगाने का मकसद जो है शांति का संदेश देना है हम और ये बुक जो है हम फ्री तकसीम कर रहे हैं ये है वर्ल्ड क्राइसिस एंड पाथवे टू पीस इस बुक का ये मकसद है कि आजकल जो दुनिया में जो क्राइसिस चल रहे हैं उसको शांति से कैसे दूर किया जा सकता है जैसे वर्ल्ड वार सेकंड के बाद बहुत से नुकसानात हुए थे दुनिया में और इंसानियत का बहुत नुकसान हुआ था जी हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर अटैक हुआ था उससे आज तक जनरेशन जो हैं बहुत बिगड़ गई हैं आज तक जनरेशन पे असर है तो हमारे जो खलीफा हैं हमारी जमात का मकसद है कि जो अब हम जिस दहलीज पे खड़े हैं वर्ल्ड वार थ्री की उसको वर्ल्ड वार थ्री को कैसे रोका जाए उसका रोकने का तरीका यही है कि हम आपस में प्यार मोहब्बत पैदा करें और जस्टिस दुनिया में जस्टिस के साथ काम करें अदल और इंसाफ के साथ काम करें तभी हम आपसी भाईचारा बना के एक दूसरे धर्मों की रिस्पेक्ट करके तभी हम शांति का पैगाम आगे लेके जा सकते हैं और जब वर्ल्ड वार थ्री के जिस दहलीज पे हम खड़े हैं उस मुसीबत से हम बच सकते हैं क्योंकि जिस हिसाब से आजकल जो है न्यूक्लियर वेपन्स तैयार हुए हैं हाँ जी और उसका अगर वर्ल्ड वार थ्री अगर होती है तो उसके ऐसे नुकसानात होंगे कि मतलब इंसानियत दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ऐसे हालात हो जाएंगे चलो तो बस हम शांति का संदेश देने यहाँ आए हैं हमारा मकसद ये है और इस्लाम की जो गलत तालीम दुनिया में फैली है इस्लाम एक टेररिज्म का मजहब है टेररिज्म को बढ़ावा देता है उस चीज़ को हम बताने आए हैं कि इस्लाम में या कुरान में कुरान ने कभी भी ऐसा कोई भी कुछ ऐसा नहीं कहा कि जिससे किसी जो है टेररिज्म को बढ़ावा मिले सिर्फ हम इस्लाम भी प्यार का पैगाम देता है और दुनिया के हर धर्म जो है प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है तो हम उसी पैगाम को लेके जगह जगह जाते हैं पूरी दुनिया में हमारे बुक स्टॉल्स लगते हैं और हम शांति का संदेश देते हैं चलो ये वर्ल्ड पीस की आगे बात करते हैं दूसरे सज्जन हैं आपका नाम चौधरी साहब था शबीर अहमद साहब हाँ शबीर अहमद चौधरी साहब ये जो आपका पंजाब में हेडक्वार्टर आपने बताया ये पूरे वर्ल्ड का शायद हेडक्वार्टर इधर है पंजाब में कादियाँ में इसके बारे में कुछ बताओ हमें कादियाँ सर वो बस्ती है जहाँ से अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के जो फाउंडर हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब कादियानी जिन्होंने 1835 में उनका जन्म कादियान में हुआ है हाँ जी और कादियान से ही अहमदिया मुस्लिम जमात की शुरुआत हुई 1899 में 1899 में जी जी 1889 से हाँ जी तो कादियान इस वक्त हमारी जो प्रेजेंट टाइम की जो एक्टिविटीज़ है उनका जो सारा जो होल्ड होता है वो कादियान से ही होता है इंडिया में इस वक्त तो मजहबी रिलीजस के लिहाज से हमारा जो
जहाँ से शुरुआत हुई है वो कादियानी है सर। हाँ जी, हाँ जी जी। चलो आपका जैन साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसमें मुझे पता चला है आप लोगों को अहमदिया को वो मुस्लिम नहीं मानते, उसके क्या वजह है? जी सर, वो उसका ये वजह है कि हम जो हैं अहमदी मुस्लिम कम्युनिटी वाले जो हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो हमारे फाउंडर हैं इस्लाम के, उनको लास्ट प्रॉफिट मानते हैं। अच्छा है? तो इसी तरह जो है सारी सारी मुसलमान उम्मत जो है उनको लास्ट प्रॉफिट मानती है, उनको लास्ट प्रॉफिट मानती है। लेकिन उन्हीं की एक प्रोफेसी थी कि ऐसा ज़माना आएगा जब इस्लाम की हालत ख़राब होगी, इस्लाम अपने रास्ते से असल तालीम से हट जाएगा, तब एक रिफॉर्मर आएगा, एक कल की अवतार आएगा, एक प्रॉफिट मसीह आएगा जिसको इमाम मेहदी भी कहेंगे, वो आके इस्लाम की सही तालीम पेश करेगा। अच्छा। और दुनिया को सही रास्ता दिखाएगा, और दुनिया को जो भगवान से जो दूर हटती जा रही दुनिया उसकी उससे जोड़ेगा, भगवान से जोड़ेगा। अच्छा, अच्छा। तो उसकी वजह से तो वहाँ बाकी जो मुस्लिम्स हैं उनका कहना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट प्रॉफिट हैं, उनके बाद कोई भी नहीं आ सकता। अच्छा, ये बेसिक डिफरेंस है। और हालांकि आ सकता है लेकिन उन्हीं की तालीम लेके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम लेके। अच्छा। तो हम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को ही, जो हमारे रिफॉर्मर आए हैं जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को ही आगे बढ़ा रहे हैं, ना कि कोई नई तालीम लेके आए। लेकिन दूसरे मुस्लिम समझते हैं कि ये शायद कोई नया नई तालीम दे रहे हैं, क्या आए हैं, उस वजह से थोड़ा डिफरेंस है हमारे यहाँ। चलो, हम इस कंट्रोवर्सी में ज़्यादा नहीं जाना चाहते। आपके ये जो अहमदिया कम्युनिटी के लोग आप मुझे बता रहे थे पूरे वर्ल्ड वाइज सभी देशों में हैं, आपका कहाँ कहाँ कितने कितने लोग हैं, कैसे कैसे सेटअप में हैं, ये भी हमारे दर्शकों को जरूर बताओ। देखें, 214 मुल्क कंट्रीज से भी ज़्यादा मुल्कों में हमारे इस टाइम जो है जमात जो है हमारी कम्युनिटी फैली है, और हर जगह हम जो है इस्लाम की सही तालीम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और अमन और शांति का पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर जगह हम यही बुक स्टॉल्स हर जगह पूरी दुनिया में लगते हैं और शांति का पैगाम देते हैं। ये किताब की हम वो प्रमोशंस करते हैं ताकि शांति का पैगाम पूरी दुनिया में। अच्छा, ये जो आपने बुक्स, ये जो आपने ये है बुक पवित्र जीवन चरित्र, ये मेरे ख्याल शायद सिख धर्म के लिए प्रमोशन के लिए है जी। ये जो है हमारे जो रिफॉर्मर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उनकी जीवनी है। अच्छा, उनकी जीवनी है। अच्छा, और ये है 94 किताब है जिसमें सिख धर्म और इस्लाम धर्म का जो आपस में प्यार रहा है, और जो भी उनकी सिमिलैरिटीज नहीं, जो आपस में प्यार रहा है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ऐसे जे आपकी बुक है क्रिश्चियनिटी फैक्ट्स एंड फिक्शन, ये भी मिर्ज़ा ताहिर अहमद जी, इसमें क्या आपने बताया? इसमें भी क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या फैक्ट्स हैं, और हजरत जीसस क्राइस्ट जो थे वो, मतलब उनके बारे में बताया था कि वो जो है अपने मतलब के इंडिया में आए, उसके बारे में बताया है कि वो इंडिया में आए और उनकी ही डेथ हुई। हाँ, और कश्मीर में जो है उनकी जो है टॉम भी है, उनकी कब्र भी है कश्मीर में, उसके बारे में है। जैसे इंडिया में ये जो आपकी बुक है द होली कुरान विद इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड शॉर्ट कमेंट्री, तो जैसे ये बहुत सारी बुक्स आप देख रहे हो इधर, ये लिटरेचर फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं क्या, के इनके कुछ चार्जेस लेते हैं? कुछ लिटरेचर हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, हाँ जो है, और कुछ लिटरेचर जो हम है वो पेड देते हैं, लेकिन वो भी उतना ही हम चार्जेस करते हैं जितना उस पर खर्चा आया है। अच्छा, अच्छा जी। अच्छा, वरना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लिटरेचर फ्री होता है। चंद एक कुछ लिटरेचर होते हैं जो हमारे जो है पेड होते हैं, वो भी उनका उतना ही खर्चा लिया जाता है जितना उस पर खर्चा आया होता है, कोई एक्स्ट्रा कोई बिजनेस पर्पस से नहीं लगा। चलो, ये जो आपका जो कादिया में जो हेडक्वार्टर, उधर आपके कितने लोग हैं, कैसी एक्टिविटीज हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का जाम कैसे प्रबंध है? अप्रोक्सीमेटली जो है 7000 के करीब जो है वहाँ पे हमारे अहमदी लोग हैं, अहमदी मुसलमान लोग हैं, और वहाँ पे हमारे स्कूल्स चल रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं, और एक हमारी अरबिक इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है। अच्छा। वो भी चल रहा है, और बड़ा अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, और हमारी एक जो है लोगों की सेवा के लिए एक विंग भी है ह्यूमैनिटी फर्स्ट के नाम से, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनजीओ में रखा जी
एनजीओ मेरे ख्याल जी एनजीओ है जो बिना किसी भेदभाव के हर एक की मदद करती है। किसी भी जगह डिजास्टर होता है या किसी गरीब को जरूरत है किसी चीज की, हम पहुंचाते हैं उसके जरिए, उस एनजीओ के जरिए, और खिदमत इंसानियत का काम कर रहे हैं जी। मान लीजिए उसमें आपके जमात के जो लड़के लड़कियां उन्होंने हायर एजुकेशन जैसे MBBS MD करनी है या इंजीनियरिंग करनी है पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें खर्चा बहुत होता है, तो फिर ये खर्चा वगैरह कैसे मैनेज करते हैं बच्चे? जी सर, उनके लिए कम्युनिटी भी हेल्प करती है, ख़ुद वो भी वो करते हैं, मतलब एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम लगा जिसमें हर गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है, अमीर बच्चे भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, कोई मतलब भेदभाव नहीं है, हर एक के लिए जो है सहूलत रखी है कि वो आगे से आगे ऊंची तालीम हायर एजुकेशन तक जा सकें और पढ़ सकें। चौधरी साहब, ये जो आप मुझे बता रहे थे आपकी कम्युनिटी के जो वर्ल्ड वाइज लोग बहुत हाईएस्ट पोस्ट पर भी पहुंचे इंटरनेशनल लेवल पे, उनके बारे में जैसे डॉक्टर अब्दुल सलाम है वो अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, मुसलमानों में सबसे पहले नोबेल प्राइज फिजिक्स में उनको मिला है। वेरी गुड, ये कौन से सन की बात है? डॉक्टर अब्दुल सलाम में 1979 की बात अच्छा, है अच्छा, जब अच्छा, उनको नोबेल प्राइज मिला है, वो भी अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। अच्छा, और कोई जैसे UNO के कुछ UNO में जो चीफ जस्टिस रहे हैं सर चौधरी जफरुल्लाह खान, हाँ जी, जो उससे पहले यहाँ पार्टीशन से पहले हिंदुस्तान में भी बड़े अच्छे अहदे पे फाइज थे वो, हाँ जी, शायद रेलवे के जो पहले मिनिस्टर इंडिया में रहे हैं, हाँ जी, वो चौधरी जफरुल्लाह खान साहब ही रहे हैं, हाँ जी, हाँ, तो वो UNO में चीफ जस्टिस की हैसियत से उन्होंने काम भी किया। इधर जब पंजाब में या इंडिया में आपकी जो दूसरे धर्मों वाले, पंजाब में तो सिख ज़्यादा हैं, हिंदू भी काफ़ी हैं, कैसा तालमेल है आप लोगों का? बहुत अच्छा है, प्यार मोहब्बत का तालमेल है, क्योंकि हमारे जो इस्लाम के जो बानी है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तालीमात के मुताबिक तो ये है कि हमें पड़ोसी से बहुत अच्छा हुस्न सलूक करना चाहिए। अच्छा। और उन्होंने एक अरबी में जो कौल है उसी को मिल जा रही हता जनंदू फ वारिस हो, कि हर पड़ोसी के साथ अल्लाह ताला ने उनको कहा कि इतनी ज़्यादा अच्छा हुस्न सलूक करने के लिए कहा गया है कि उनको लगा शायद वो उसका वारिस भी ना करार दे। तो जितने भी हमारे गैर मुस्लिम है पड़ोसी है सब उनके साथ प्यार मोहब्बत, और यही हमारा मकसद है और हमारी कम्युनिटी का माटो ही यही है, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, मोहब्बत सब के लिए नफरत किसी से नहीं। जैन जी एक बात बताइए, ये जो आपके मौजूदा खलीफा हैं जो मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, ये इंग्लैंड में शायद रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, तो वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपके जो? सर वहाँ जो है ना वहाँ पे भी यही एक्टिविटीज़ जो हम यहाँ कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ऐसी एक्टिविटीज़ इंसानियत की सेवा के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए, उसके अलावा इस्लाम की जो सही तालीम है दुनिया तक पहुँचाने के लिए, उसके अलावा हमारा एक फ्री चैनल चल रहा है मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया इंटरनेशनल। अच्छा, मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया इंटरनेशनल, MTA इंटरनेशनल। अच्छा, ये इंग्लैंड से चलता है? जी इंग्लैंड से चलता है। गुड गुड, जी रिलीजियस चैनल है और बहुत ही अच्छा चैनल है, तो वहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई है, इंग्लैंड से चलता है ये चैनल, और वहाँ से इंग्लैंड में ही हमारे बहुत से पीस कॉन्फ्रेंसेस पीस सिम्पोजियम्स होते हैं जहाँ पे हमारे खलीफा खुद शामिल होते हैं और वहाँ पे रहनुमाई करते हैं लोगों की, बताते हैं हमारे, हमें तालीम देते हैं, तो वहाँ पे भी ये यही पीस का काम चल रहा है जिस तरह पूरी दुनिया में चल रहा है। जितना मुझे याद है ये शायद 2005 के करीब ये होशियारपुर में इंटरनेशनल ये जो सर्वधर्म सम्मेलन हो उसमें शायद ये आए थे, उनके बारे 2005 में कादियान में हुआ था एनुअल कन्वेंशन जिसे जलसा सालाना कहते हैं हम। अच्छा, तो वो उसमें ये आए थे और जो उसमें होशियारपुर का भी इन्होंने विजिट किया, लुधियाना का भी विजिट अच्छा, किया, लुधियाना का दिल्ली किया। का विजिट किया मतलब जी, और 2008 में भी आए, केरला में आए और दिल्ली में आए। अच्छा अच्छा जी, तो इस तरह जो है ये अपनी अपनी मतलब अलग अलग मुल्कों में जाते हैं, अफ्रीका में भी जाते हैं, वहाँ भी कन्वेंशन होते हैं, जर्मनी जाते हैं और अमेरिका में भी कन्वेंशन होते हैं हमारे, वहाँ भी जाते हैं हमारे खलीफा जो है और जाके वहाँ रहनुमाई करते हैं लोगों की। ये आपने शुरू में जो बात कही थी ये जो वर्ल्ड क्राइसिस की इंटरनेशनल पीस की, ये पूरा वर्ल्ड आजकल एटम बम का पूरा बना हुआ है, अड्डा बना हुआ है, सभी कंट्री के पास हैं, कहीं एक कंट्री में चला दिया पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, तो इसके बारे में अवेयरनेस के बारे में आप डिटेल में बताओ क्या आपकी कम्युनिटी कर रही है। जी
सर ये जो वर्ल्ड क्राइसिस एंड पाथवे टू पीस बुक है, ये इसका मकसद ही है ऐसी चीज़ों के बारे में हम बताएं। तो हमारे खलीफा जो हैं वो मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स में और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में जाते हैं और वहाँ पे स्पीचेस करते हैं वर्ल्ड पीस को लेके। अच्छा जी। और इसी तरह उन्होंने बहुत से वर्ल्ड लीडर्स को, जो बड़े बड़े मुल्कों के प्रेसिडेंट्स हैं, उनको भी लेटर्स लिखे हैं वर्ल्ड पीस के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो जिस तरह की टेक्नोलॉजी आजकल दुनिया में है और न्यूक्लियर पावर्स वाले सारे मुल्क अब इकट्ठे हो रहे हैं, न्यूक्लियर पावर कर रहे हैं तैयार और बिल्कुल वर्ल्ड वार 3 की दहलीज पर खड़े हुए हैं। तो उन हमारे खलीफा जो है वही पैगाम पीस का पहुंचा रहे हैं कि अगर ये वर्ल्ड वार 3 होती है तो इसके क्या नुकसानात होंगे। एक वर्ल्ड वार 2 में एक हिरोशिमा नागासाकी में ही ब्लास्ट, न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था, एटॉमिक ब्लास्ट, उसमें जो नुकसान हुए थे वो जनरेशंस आज तक उसको मतलब के देख रही हैं। तो अब जो वो उनका कहना क्या है कि अगर अब तीसरी जंग होगी, तीसरी वर्ल्ड वार होगी, तो उसके कितने मतलब ख़तरनाक नतायज निकलेंगे, उसके कितने ख़तरनाक नतीजे आएंगे। तो उसी को वो अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि सब जो है वर्ल्ड वार 3 से बचने के लिए सारे प्यार मोहब्बत से रहें, शांति को प्रमोट करें, जस्टिस कायम करें दुनिया में, और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम इस वर्ल्ड वार 3 से बच सकेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल है, ये जो पंजाब के लोग हैं, स्पेशली सिख लोग काफ़ी हैं, हिंदू भी काफ़ी हैं, जी जी, इन लोगों का आपकी कम्युनिटी के साथ कैसा रवैया है? बहुत अच्छा रवैया सर, जैसे मतलब कहते हैं ना कि जैसे आप दूसरों से पेश आएंगे, हाँ जी, वैसे ही आगे से आपको सवाब भी मिलेगा वैसा। हाँ जी। तो हम हर एक से प्यार मोहब्बत का मतलब व्यवहार करते हैं, हर एक को प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, हर एक धर्म की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें भी आगे से रिस्पेक्ट मिलती है, तो हमें भी प्यार मिल रहा है सबका यहाँ पे। कोई पंजाब में बहुत अच्छा माहौल है, हम अपनी बात हम खुल के कह सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा सिख भाईचारा है, सिख और मुस्लिम भाईचारा बहुत अच्छा है, हिंदुओं से भी हमारे बहुत अच्छे, हम सर्वधर्म सम्मेलन करते हैं, पीस सिंपोजियम्स करते हैं यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम, आपसी ईद मिलन पार्टीज होती हैं, ईद मिलन जो है हमारा फंक्शन होता है जिसमें ईद के मौके पे मुख्तलिफ धर्मों के लोगों को बुला के गेट टुगेदर किया जाता है, आपस में प्यार मोहब्बत की बातें की जाती हैं, और बड़ा अच्छा हमारा यहाँ पे रिलेशंस है पूरी दुनिया में, हमारे अहमदिया कम्युनिटी के बहुत अच्छे रिलेशंस है, क्योंकि हम प्यार मोहब्बत को ही प्रमोट करते हैं और उसी से ही बात करते हैं। चलो, बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं। दर्शकों, एक बार फिर मैं जो तरह तरह की किताबें पढ़ी हैं जी, इनको सभी धर्मों की है, लगभग क्रिश्चियनिटी की है, सिखिज़म की है, इस्लाम की है, ये पीस की बात करते हैं, ये होली कुरान है, पंजाबी में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो ये आप ऐसे जिनको शौक़ है पढ़ने का, वो ऐसे स्टॉल में इनका ज़रूर विज़िट करें, ताकि आपको भी ये जो दूसरे धर्म हैं उनके बारे में कम्प्लीट नॉलेज मिल सके। जैन जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे से इस बात की। जी शुक्रिया। थैंक यू।